Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Basra Engineering Salon, and I am Engineer Faiz Alam Basra. Guys, हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे सिंगल स्टोरी लेबर बैरक्स जो कि फैक्ट्रीज के अंदर लेबर की रहाइश के लिए इस्तेमाल होती हैं. तो हमने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियोज़ में उसका लेआउट प्लान, वर्किंग प्लान, फ्रंट एलिवेशन और बैक साइड एलिवेशन बनाना सिखाया आपको, और आखिर में हम इसका सेक्शन बनाना आपको सिखाएंगे. सेक्शन इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आपको पता चले कि ये जो वाल हमने बनाई है, यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि वाल की थिकनेस क्या है और कितनी, मतलब इसकी हाइट है क्या, नीचे है इसकी, इसकी बेस क्या है, इसकी फाउंडेशन क्या है, ये वॉशरूम जो बने हैं इनकी जो वाल्स हैं इसकी बेस क्या है, कितनी ऊंची है, कितनी नीचे खुदाई है, एक्सकवेशन है. तो ये हम इसको सेक्शन जो होती हैं, सेक्शन डिटेल जो है वो उसको बताते हैं. तो हम किसी भी जगह से सिमेट्रिकली इसका सेक्शन ले लेते हैं. तो सेक्शन लेने का यही तरीका होता है, ये हमने जैसे ये एक लाइन ड्रा करते हैं किसी भी जगह पे. अब यहाँ पे हमने इसलिए ड्रा किया कि जहाँ पे विंडो भी शो करें, और हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि उस तरीके से सेक्शन आप बनाएं कि जिसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको नज़र आएँ. तो साइड मतलब छोटी साइड पर जो इसकी डायरेक्शन है यही है कि जहाँ से ये विंडोज़ के अंदर हमने इसको कट किया है, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया. ठीक है, सेक्शन हमारा ए ए. तो जहाँ पे हम इसको लिखेंगे सेक्शन ए ए, इसका भी तरीका कार यही होता है कि बनाते वक्त हम ड्राइंग को उस तरीके से रखें ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे चीज़ कट हो रही है. ठीक है, जहाँ पे हम उसका डायसेक्शन, इसको सेक्शन को डायसेक्शन की तरह है कि पता चले कि अंदर क्या चीज़ है. अब यहाँ से इसके ये भी ख्याल रखना है कि इसकी ये डायरेक्शन है, तो इस तरीके से हमने इसको कट किया. तो ये अगर जहाँ पे आप खड़े होंगे तो ये आपके लेफ़्ट साइड पे ये नज़र आएगा. तो उस तरीके से हम इसको बनाना शुरू करना है. सबसे पहले ये इसमें यहाँ पे शेड नज़र आएगा, फिर आपको ये विंडो नज़र आएगी और इसके नीचे वाल नज़र आएगी, फिर कमर. अच्छा, जो चीज़ काटनी होती वो आपको सीधी नज़र आएगी, जो कट होगी उसकी का आपको सेक्शन उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ है. यहाँ पे ये कॉरिडोर कट होगा तो इसमें कोई चीज़ चूँकि ओपन है यहाँ पर नज़र नहीं, जहाँ पर ये ओपन है सिर्फ आपको इसकी छत काटी हुई नज़र आएगी. तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सेक्शन ए ए है. सबसे पहले बैक साइड पे हमारे पास वही हमने जैसे आपको पहले बताया था कि 1.5 फिट का हमने इसको ऑफसेट लिया है. ठीक है, अच्छा पहले हम ये इसको बनाएंगे, जहाँ से इसका आउटलाइन बनाएंगे, ये 9 इंच की वाल बनाएंगे पहले, फिर ये 9 इंच की वाल बनाई. ठीक है, अब इसके अंदर डिटेल देंगे जहाँ से सेक्शन, जहाँ से नीचे क्या है ये हमने यहाँ पे शो नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन ड्रा करेंगे, ब्रेक लाइन. ठीक है, जहाँ पे रोड लेवल है रोड लेवल से ऊपर 1.5 फुट पे ऑफसेट दे के जहाँ ऑफसेट बना देंगे, लाइन बना देंगे, और ये फिनिश फ्लोर लेवल. ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे इस तरफ को जहाँ बरामदा ख़त्म होता है फिर नीचे ये जगह आ जाती है, तो जहाँ पर भी ये ऊंचाई है. तो ये तरतीब से हमने सारा कुछ इसको बनाना है. अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि इस फ्लोर से हमारी छत जो है 10 फुट है, तो हम इसके ऊपर यहाँ से 10 फुट का ऑफसेट लेंगे. ऑफसेट लेके और जहाँ पे बीम हमें नज़र आ रहा है, बीम कटा हो तो बीम की लाइन जहाँ पे इसको जितना बीम नीचे नज़र आ रहा है टोटल ये होगा ज़्यादा, और लेकिन बीम की लटक जितनी है ये जहाँ पे हम शो करेंगे उसको 9 इंच ऑफसेट जहाँ से कर लें, फिर इसको इसकी विड्थ दे दें, विड्थ दे के जहाँ से इसको ऊपर. और जो डिज़ाइन हमने पहले प्रपोज़ किया था कि भाई जैसे इसका डिज़ाइन अप्रूव हुआ उसको हम यहाँ पर ये ऑफसेट दे के ऐसे ये कंक्रीट है. अच्छा, ये ख्याल रखें कंक्रीट का ऑफसेट मतलब इसके हैचिंग और स्टाइल और है, और ये मतलब ये वाल का और है. तो इसमें ये चीज़ें जो बजरी और कंक्रीट को जो देखें इसके ऊपर लेके जाएं तो जब आपको सैंड, बजरी, रेत वगैरह सारी इसमें शो होगी नज़र आएगी. तो ये आप ये बाद में हमने इसके अंदर हैचिंग की है, पहले ये इसके बगैर हम जब बनेगी इसको डिलीट करके देख लें. ठीक है, पहले ये इस तरीके से बनी. ठीक है, इसी तरह एक तरफ आपने इसको बना लिया, एक तरफ बना के और यहाँ पे आपने इसका सेंटर से आप ले लें, सेंटर लाइन से इसको मिरर कर लें कोई भी चीज़ आपने बनाई है. ये चूंकि यहाँ पे ज़्यादा होगा तो इस तरफ मिरर में ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन यहाँ से आप इसको इतना पोर्शन करके यहाँ पर इसका ऑफसेट ले लें. तो ये देखें वहाँ पर वो ऑर्थो ऑन करें,
तो यहाँ पे देखें उसी जगह पे ये चला गया। तो इस तरीके से आप करके बाकी इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं जो भी है, और फिर बाद में आप इसको हैच करेंगे। तो हैच को रिस्टोर कर अंडू कर लें, ऑलरेडी हमने हैच की हुई है। इसके बाद यहाँ पे अच्छा जो चीज़ मुकम्मल हो जाए उसके बाद ही आपने इसमें हैच करनी है। अच्छा यहाँ पे वाल के ऊपर ये इसकी वाटर प्रूफिंग आ गई। वाटर प्रूफिंग के बाद जो पर्दी है उसकी हाइट 3 फुट है, ये क्लियर ठीक है, जो पैरापिट वाल है। तो हमने इसको इस तरीके से शो करना है, फिर इतना ऊँचा लेके जाना है। जब हमने वाल बना ली, वाल बनाने के बाद हमने ये यहाँ पे ये इसका शेड बनाया जो इसका डिज़ाइन है, 1 फुट इसको नीचे लटक दे के और ये बाहर को। अच्छा इसके बाद यहाँ पे 5 फिट ऑफसेट दे के जहाँ पे आपने विंडो ये बना दी, और ये 2 फुट की विंडो है, और ये 4 इंच का शेड है, 4 इंच की इसकी थिकनेस। जहाँ पे भी कंक्रीट है तो इसमें भी कंक्रीट की हैच करेंगे। अच्छा इसके बाद इस तरफ फ्रंट की तरफ आ जाएं, ये फ्रंट वाला ऐसा है बरामदे की तरफ, तो जहाँ पे आप इसको 3 फुट ऑफसेट करके जहाँ पे इसको कट करें, फिर जहाँ पे विंडो लगाए ये वहाँ विंडो के ऊपर जो है ये लिंटल होगा ठीक है, ये 4 इंच का लिंटल है। अगर साइज़ बड़ा होगा तो लिंटल भी बड़ा होगा ठीक है, 4 इंच से 6 इंच 9 इंच लिंटल बड़ा होता है, डिपेंड करता है विंडो के साइज़ पे। जो चूँकि 3 फुट की विंडो है चौड़ी, तो उस हिसाब से ये इतना काफ़ी है, लेकिन अगर विंडो बड़ी होगी तो इसका लिंटल भी साइज़ में बड़ा होगा। अच्छा बहरहाल ये टॉप पे इसका 7 फुट बनेगा, 3 और 4 फुट, 7 फुट पे सबका 7 फुट हाइट जो है बराबर होगी। जब ये आप इसमें इंसर्ट कर लेंगे और ये ट्रिम हो जाएगी हर चीज़, इसके बाद फिर आप जहाँ पे हैच जो है इसको करेंगे और इसका स्टाइल चेंज करेंगे, इसका स्केल चेंज करेंगे। यानी ये पहले से नहीं आपने करना, के बाद पहले आप इसको कर दें, फिर बाद में इसके लिए आपको कट करना मुश्किल हो जाएगा। तो सारी चीज़ मुकम्मल करने के बाद जो बाकी चीज़ बच गई है, यानी ये देखें जो हम इसको डिलीट कर लें, तो यहाँ ये ऐसी चीज़ बन जाएगी। जब इसके बाद फिर डिमेंशन दें, डिमेंशन देने के बाद आप इसको हैच कर दें ठीक है, जहाँ पे फिर आप इसमें हैच करेंगे आखिर में, तो अंडू कर लें हैच ठीक है। अच्छा इसके बाद जो जो चीज़ इसमें नज़र आएगी, जहाँ पे हमें कमरे में और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए जहाँ पे हम कोई चीज़ बनाएं, आगे ये बरामदा आ जाता है। अच्छा बरामदे में ये देखें कि अगर प्लान में देखें तो जहाँ पे आप खड़े हैं ये सेक्शन कट रहा है, तो ये सेक्शन में हमें दूर जहाँ पे ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है ठीक है, यहाँ से खड़े हैं तो दूर हमें ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, और यहाँ से इतनी दूर नज़र आ रहा है, ये भी ख्याल रखें कि इस दीवार से हट के ये इतना दूर दरवाज़ा है। तो उसी तरह उतना ही आपने ऑफसेट लेके देखना कि ये बरामदे से इस तरफ कितना और इस तरफ कितना, ये 4 फीट का दरवाज़ा 4x7 का, तो जहाँ से आपने उतना ही ऑफसेट इसको दे के, यानी ये देखें जहाँ से आपने इसको ऑफसेट देना यहाँ पे, और फिर जो आपने 4 फुट का दरवाज़ा है ये देखें ठीक है, 4 फुट का दरवाज़ा एंड तक, ये तो ये यहाँ पे आप इसकी डिमेंशन देंगे, ये भी डिमेंशन देंगे, ये 4 फिट का है, तो ये हमें दूर दरवाज़ा नज़र आ रहा है। तो जो भी चीज़ हमें नज़र आएगी वो हम इसमें शो करेंगे। तो ये तो हो गया सेक्शन AA कि जहाँ हमने हमने इसका बनाया। अब आ गया इसका सेक्शन के वाशरूम में क्या क्या है, उसकी डिटेल देनी भी ज़रूरी है, और इसका स्टेयर्स का हम अलहदा से सेक्शन बनाते हैं, वो हम इंशाल्लाह अपनी किसी वीडियो में स्टेयर का सेक्शन भी बनाएं। क्योंकि हर चीज़ जिस चीज़ का सेक्शन नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी स्लैब कितनी है, इसका क्या चीज़ है, तो इसलिए हर चीज़ का सेक्शन लाजमी है। और जहाँ पे इसमें देखें इसके पिछली में हमने जहाँ बताया जिसको, तो हम चूँकि रोटेट किया हुआ तो इसलिए ये उल्टे हैं, इसको सीधा कर लें घुमा के, ऑर्थो ऑन कर लें। विड्थ इसकी 4 फिट है, ट्रेड इसका मतलब 1 फिट है, और राइजर इसका, राइजर इसको मतलब ये ट्रेड होता है जहाँ पे पैर रखते हैं, और जो ऊंचाई जो इसकी स्टेप की होती है वो उसको राइजर कहते हैं ठीक है, यानी कि 7 इंच से थोड़ा कम है इसका ऊंचाई होगी, और चौड़ा जो है ये 1 फुट का होगा, और लंबाई इसकी हर स्टेप की 4 फुट होगी, यानी सीढ़ी सारी की जहाँ से लेके जहाँ तक 4 फुट होगी। तो इस तरीके से ये सारे ये हम अपनी डिटेल वर्किंग में यानी वर्किंग प्लान में इसको शो कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा इसके बाद यहाँ पे इसका शो करेंगे कि वाशरूम क्या है,
उसके लिए हम अलहदा से सेक्शन करेंगे। तो इसका भी यहाँ से आप सेक्शन काट लें, ठीक है। यहाँ से आप सेक्शन काटेंगे, ये जो हमारा सेक्शन है, ये विंडो साथ में कटी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ से ये सेक्शन कटा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे सेक्शन बी भी लिख देंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, इसको रोटेट करें, ये उल्टा है, बी भी लिखें, तो इसी को कॉपी करके नीचे लिख लें। तो इस तरीके से ये सेक्शन बी भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसमें भी देखेंगे आप, यहाँ पे अगर सेक्शन आप काट रहे हैं इस तरफ को, अंदर को, तो यहाँ से आप खड़े हैं तो यहाँ से पहले ये वाल कटेगी, ये विंडो कटेगी, फिर ये वाल हो जाएगी, ये सारी वाल, और इसके बाद ये यहाँ, तो ये आपके लेफ्ट साइड पे होगा, ये ना, ये राइट साइड पे होगा, ये लेफ्ट साइड पे। तो इसी तरीके से आपने ये सेक्शन बी भी इसको हमने किया है। वो जैसे हमने पहले एक सेक्शन काटा कि शुरू से हमने इसको स्टार्ट लिया, ये नीचे इसकी फाउंडेशन, चूँकि हमने जहाँ पे शो नहीं की, इसलिए जहाँ पे इसको ब्रेक लाइन शो करेंगे, ठीक है। और रोड लेवल से जहाँ हमारा रोड लेवल जहाँ है, फाउंडेशन नीचे है, जहाँ से इसको ऑफसेट दिया, जो 1.5 फुट का फ्लोर लेवल है। इसके बाद हमने ये वाल ड्रा की, ये वाल ड्रा की, इसके अंदर 5 फुट पे जो विंडो है इसको ड्रा किया। ये देख रहे हैं ये कितनी कितने फासले पे फ्लोर है, ये यानी साढ़े इस तरफ को 3.5 फुट है, 3 फुट 6 इंच। तो इस वाल के बाद ये वाल जो है 3.5 फुट, तो आप यहाँ पे 3.5 फुट का ऑफसेट इसको देंगे, फिर 4.5 इंच की, फिर 3.5 फुट, फिर इस तरीके से आप ये सारी 5 बाथरूम है, तो 5 बाथरूम जहाँ पे आप उसके वाल ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये देखें, यहाँ से इस सेक्शन से हमें पता चला कि इसकी वाल की हाइट कितनी है, 5 5 फुट की हाइट है। वाशरूम की दीवारें ऊंची नहीं हैं, वो बल्कि ऊपर जो स्पेस है सारी खाली है, ये सिर्फ 5 फीट हाइट पे हमने दीवारें की हैं। और ये जो खिड़की आगे 2 फुट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके सेक्शन बना लें। अच्छा, अब जहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आके इसका इस साइड पे ये वैनिटीज वगैरह हैं, ठीक है। वैनिटीज जो शेल्फ बनाते हैं, यहाँ पे ये हमने शेल्फ बनाई है, शेल्फ बना के ये वजू के लिए यहाँ पे वाश बेसन लग सकते हैं, वैनिटी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ वजू के लिए जगह है, तो ये 2.5 फुट हाइट पे यहाँ पे मार्बल काउंटर बन जाता है, तो उसके अंदर ये लगा देते हैं वैनिटीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा वजू के लिए, यहाँ पे हाथ धोने के लिए, ये वजू के लिए। और यहाँ पे हमने उसी तरीके से, तो ये भी तरीका करके यहाँ से आप इसको कॉपी करके, जो एक सेक्शन आपने बना लिया, तो यहाँ पे वही सेक्शन हम जहाँ बनाएं, और जहाँ पे कोई अगर कोई अमेंडमेंट, जहाँ जैसे यहाँ पे बीम नहीं नज़र आया, तो यहाँ से नीचे बीम काट दें, ठीक है। तो बाकी उसी तरीके से 6 इंच 9 इंच की स्लैब है, इसके बाद ये यहाँ पे वाटर प्रूफिंग है, इसकी ऑफसेट एक लाइन देंगे, और ये दूसरी। अच्छा, ये इसमें ये देखें, ये हमारी जहाँ, चूँकि हमने कट किया है, इसलिए जहाँ इसको सॉलिड लाइन यहाँ पे शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्लू लाइन का मतलब यह कि ये पीछे नज़र आ रही है आपको वाल, ठीक है। यानी जहाँ से आपने इसको काटा है, यहाँ से काटा, तो ये इस तरफ को देख रहे हैं, तो ये वाली लाइन जहाँ पे आपको नज़र आएगी, ये वाली लाइन, क्योंकि दरमियान में कोई लाइन नहीं है, ये सारे फर्श नीचे हैं, मतलब यानी सारी छत है, तो आखिरी वाली लाइन ऊँची नज़र आएगी यहाँ तक, तो वही लाइन इसमें ये नज़र आएगी, ठीक है। और ये जो कि सॉलिड है, तो ये सॉलिड ही नज़र आएगी। इसके बाद आप इसमें हैच कर लें, ठीक, जो भी आप हैच करना चाहते हैं, जिस तरह के भी इसमें हैच किया, इसमें भी आप हैच कर सकते हैं, ये देखें। अच्छा, ये हैच इसमें दूसरी हो गई है, आप इसमें इसको मैच प्रॉपर्टी कर लें, मैच प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी मैच कर दें, ठीक है। तो जो भी आपने एक टाइम में सिलेक्शन किया, वो सबकी प्रॉपर्टीज मैच कर रखी हैं। इसी तरह आप इसके अंदर हैच करें, जो भी आप हैच करना चाहते हैं इसके अंदर हैच करें,
इसके अंदर हैच करें, इसके अंदर हैच करें, ये सारी कंक्रीट है, यहाँ पे भी कंक्रीट है। तो या तो आप पहले से वहाँ से सिलेक्ट कर लें कोई भी, अदरवाइज यहाँ से आप जो भी आती है उसमें आप कर लें, बाद में आप इसको किसी जो पहले बनी है इसकी मैच कर दें। ठीक है, यहाँ से मैच कर दें। तो गाइस इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक जहाँ ख़त्म हुआ, हमने सिंगल स्टोरी लेबर बैरिक्स के मतलब तमाम ऑप्शंस इसमें फ्रंट एलिवेशन प्लान्स, वर्किंग प्लान्स, लेआउट प्लान्स और सेक्शन डिस्कस कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।